आज हम टाटा विस्टा मांजा का इमोबिलाइजर JCEC कैन बॉक्स पर चेक करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। ये उस टाटा की चाबी है, विस्टा मांजा की। इसका ये इमोबिलाइजर है और इमोबिलाइजर मैंने इसमें ये वायर लगा दिया है, केबल जॉइन कर दिया है। ये JCEC कैन बॉक्स पर टेस्ट करेंगे। इग्निशन मैंने रिले ऑन कर दिया, इग्निशन ऑन किया और ये चेक रिले ताले वाली लाइट ऑन है क्योंकि ये इसका सेंसर बाहर है चाबी। अब हम इसका ट्रांसपोंडर अंदर लगाएंगे। अंदर लगा दिया, इग्निशन ऑफ किया, इग्निशन ऑन किया, ये चेक लाइट ऑफ हो गया, ये चेकआउट लाइट ऑफ हो गया। ये JCEC कैन बॉक्स पर टाटा विस्टा मांजा का इमोबिलाइजर चेक किया है। इसका ट्रांसपोंडर बाहर निकाल दिया, इग्निशन ऑफ किया, ऑन किया, ये लाइट आएगी, ये चेकआउट लाइट आ रही है अभी, ये आ रही लाइट। वापस ऑफ किया, ऑन किया, लाइट आ रहा है। इसका ट्रांसपोंडर वापस इसमें लगा दिया, लगा के ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया, मैन रिले ऑन, इग्निशन ऑन किया, लाइट आ नहीं रहा। आप ये JCEC कैन बॉक्स पर हमने टाटा विस्टा मांजा का इमोबिलाइजर चेक किया, टेस्टिंग किया, ऑफ ऑन हो गया, चाबी बाहर है, लगाई, बाहर निकाली हुई, बाहर निकालेंगे, वापस ऑफ करेंगे, ऑफ, लाइट आ रहा है। वापस ट्रांसपोंडर को इसके अंदर डालेंगे, ऑफ कर दिया, ऑन किया, ये लाइट नहीं आ रहा। तो ये JCEC कैन बॉक्स पर हमने टाटा विस्टा मांजा का इमोबिलाइजर चेक किया, प्रोग्राम ही नहीं किया, चेक किया है। ये JCEC इसका ये टाटा ये ECM और इमोबिलाइजर कपलर है, ये की का है, ये बैक साइड में OBD का भी, ये फ्यूज का है, 12 वोल्ट DC पावर दिया हुआ है।